जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैलेंटाइन्स आ रहा है, तो ये बैग आप अपनी गर्लफ्रेंड को, आप अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। हाय गाइस, क्या हाल चाल सबके। होप करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। मैं आपका नेक्स्ट लेवल बेस, और मेरा ओरिजिनल नाम है उपासक। बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, तो आज जान लो यार मेरा नाम है उपासक। ठीक है, तो आज हम लेकर आ गए हैं चैनल की पहली अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि एक बैग की होने वाली है। और ये जो बैग है वो हम आर्टिक फॉक्स से खरीदा है, जो कि कैरी मराठी जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा मार्केट किया था। इनकी वीडियोस वगैरह काफ़ी अच्छी आती हैं। एक गेमर बैकपैक है जो गेमिंग के लिए काफ़ी आपके जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जितने भी आपके पेरिफेरल्स हैं, वो सबको कैरी करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया तो आगे हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और जो हमारा कंटेंट ऑलरेडी रनिंग में है वास्ट बूस्टेड का, ये भी चलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आप सपोर्ट बनाए रखे। ऐसे ही आपने आज तक बहुत सपोर्ट किया है, कभी सोचा नहीं था कि आज जिंदगी में YouTube पर इतना बड़ा चैनल खड़ा हो जाएगा जब स्टार्ट किया था। और आपकी बेस्ट विशेष की वजह से ही ये चीज हो मुमकिन हो पाई है, सो थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बने रहिए वीडियो के साथ, और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए यार। तो चैनल की पहली अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है, अगर कोई कमी रह जाती है वीडियो में तो प्लीज पहले ही आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, आगे से कंटेंट को सुधारने की ही कोशिश की जाएगी। चलो करते हैं स्टार्ट। बैग हमारा कहाँ गया? अरे इधर ही तो रखा था, किधर गया? कहाँ गया बैग? अरे आया भाई, क्या कर रहा है? अरे इधर आना, तेरी अनबॉक्सिंग करनी है हमें। क्या कर रहा है भाई, ऐसे तो बात थोड़ी ना तेरी। बैग जिसका डब्बा है हमारे पास ये आज। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बड़ा सा आर्टिक फॉक्स का एक लोगो बना हुआ है, अमेजोन से ऑर्डर किया था हमने ये। इसकी कॉस्ट वगैरह सब कुछ बता देंगे आपको, और इसकी डिलीवरी का जो टाइम है वो भी बता देंगे। तो अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एहे, रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। और भाई अनबॉक्सिंग करने के लिए कुछ अब ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास कुछ है नहीं अभी। मैं देखता हूँ कि कुछ लेके आते हैं। करते हैं इसका वस्त्र हरण धीरे धीरे। अरे ये फट जाएगा, अगर ज्यादा मार दिया तो बैग फट सकता है अंदर से। खुल गया क्या? अरे खुल गया, पहली झलक देख सकते हैं आप लोग बैग की। और काफी आसान सी अनबॉक्सिंग लग रही है ये मुझे। अरे भाई चक्कू तेरे को साइड में रख देते हैं। अरे वाह, हैंडल दिए गए हैं इधर तो, नाइस। ये है गाइस बैग, ठीक है इसे रखते हैं एक बार साइड में। और ये क्या है? ये है हमारा बिल, इसे इधर रख देते हैं और इस बॉक्स में। हाँ तो ये काफ़ी सस्ते से ये एक लिफाफे में डाल के कंपनी ने बैग दे दिया है हम लोगों को। तो चलो करते हैं इसको, इसे बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि क्या है। हाँ भाई किसी काम का नहीं है। हाँ तो गाइज, अगर सीधा बैग की क्वालिटी पर आते हैं तो बैग काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट लुक में अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा मटेरियल लग रहा है ये। और यहाँ पर आपको एक आर्टिक फॉक्स का लोगो मिल रहा है, उसके ऊपर ये एक गेमर लिखा हुआ है, कि जो कि एक बहुत अच्छी लुक लेके आ जाता है इस बैग के लिए। और ये एक यहाँ पर काफ़ी टेक्स्चर्ड सा दिया गया है, और ये एक लेदर लग रहा है। हालाँकि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये लेदर है या नहीं, बट ये एक लेदर लग रहा है। एक हैंडल आपको इस साइड में दे दिया जाता है, ताकि जब आप इसे ऐसे पकड़ें तो ये जो गेमर है आपका ये सही तरीके से दिखे। और इसी हैंडल के नीचे आपको दे दिया जाता है एक ये USB पोर्ट, जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाद में अगर पीछे की साइड देखते हैं तो ये आपको ये दो मिलते हैं, जिसे आप इसे कंधों में डाल सकते हैं। इसके ऊपर एक हैंडल दे दिया, और हैंडल दे दिया गया है। हैंडलों की वैसे कमी नहीं है इस बैग में, काफ़ी हैंडल दिए गए हैं कंपनी के, क्योंकि एक इसी के पीछे एक और दे दिया है, ताकि अगर आप जब इसे जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे अपने जो ट्रॉली बैग होता है उसमें ऐसे डालकर आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसी साइड में एक आपको ये बॉटल कैरी पाउच भी दे दिया गया है, ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी कपड़े का है जिस कपड़े का बैग है। काफ़ी आपका अच्छा लग ड्यूरेबल बैग है। और ये नीचे में एक काफ़ी हार्ड बेस दिया गया है ये देखिए, और ये टेक्स्चर्ड है सारा का सारा। अभी अगर बात करते हैं कि ये बैग है जो इसका वजन है जो वो ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा नहीं है, नियरली कोई 300 ग्राम्स के आसपास होगा ये, बाकी एग्जैक्ट का तो मेरे को आइडिया नहीं है। और आर्टिक फॉक्स ऐसा बोलता है कि 17 इंच का एक इसमें लैपटॉप है जो आप कैरी कर सकते हो, और ये 27 लीटर का बैग है। मतलब कहने का है कि एक काफ़ी बड़ा बैग है जिसमें आप बहुत कुछ कैरी कर सकते हो।
इसका मतलब इसमें 27 लीटर दूध लेके अपने जा सकते हैं। I don't know. हाँ, लेके जा सकते हैं 27 लीटर दूध। और इसमें सबसे जो इसकी मेन फीचर है, जो हाईलाइट है इसका, वो है इसका ये लॉक, जो कि कंपनी ने आपको प्री इंस्टॉल्ड दिया है, जिस पर आर्टिक फॉक्स की एक ब्रांडिंग भी आप देख सकते हैं। और जो ये डिफॉल्ट है, ये 000 पे सेट होता है, जैसा कि आप ये इसके जो मैनुअल साथ आते हैं ये रहे। कुछ कागजी कार्रवाई इसके साथ ज़्यादा नहीं है, ये बस ये तीन दिए गए हैं। एक है जिस पे आप इंस्ट्रक्शंस आपकी लिखी हैं सारी की सारी, कि आप जो लॉक है वो कैसे सेट कर सकते हैं। दूसरा है जो आपको वी बिलीव क्रिएटिविटी इजंट इनहेरिटेड, और ये काफ़ी कुछ लिखा गया है। इसके दूसरी तरफ एक आर्टिक फॉक्स का काफ़ी चमकता हुआ लोगो है, और बाद में इसकी ये काफ़ी कुछ दिया गया है मैन्युफैक्चर्ड वगैरह, और ये, और एक ये क्विक एंड इजी वारंटी रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि आपको इस बैग के साथ 1 साल की वारंटी है जो मिलेगी। वारंटी तो क्या है कि हालांकि क्लेम ही करके देंगे, बाकी मुझे आइडिया नहीं है कैसा है, वो भी आपको अगर हो सका तो चेक करके बताएंगे कि इनका जो कस्टमर केयर है उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो अभी जल्दी से इसको खोलते हैं, तो उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि क्या है इसके अंदर। बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है मैंने इस बैग में। और भाई चैन की जो क्वालिटी है, जो जिपर की क्वालिटीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। और भाई साहब क्या कुछ, कितनी जेब दे रखी है, कितने अपार्टमेंट्स नहीं कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, कंपार्टमेंट्स हैं काफी आपको दे रखे हैं बैग के अंदर। और ये एक रेन कवर भी दिया गया है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ओ, आजकल यहाँ आदमियों को रेन कवर नहीं मिल रहे हैं, और बैग्स के अंदर रेन कवर आ रहे हैं। और ये काफी एक बड़ा रेन कवर दिया गया है, ब्लैक कलर का, जिसमें आर्टिक फॉक्स का एक लोगो भी है आपके लिए। अरे ब्रांड की वैल्यू नहीं मरनी चाहिए, मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए, कुछ भी है चाहे, अच्छी बात है। और ये पूरा का पूरा एक काफी बड़ा ये दिया गया है, जिसे आप बैग को पूरा कवर कर सकते हैं। इसे रखते हैं साइड में। और अगर आप बात करते हैं अंदर, और इसमें मैं पूरे गिनता हूँ कि कितने इसमें आपको कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 गिनते बराबर है ना। दिस वन ऑल्सो इंक्लूड्स, दिस वन ऑल्सो काउंट्स, ये भी काउंट होता है इसके अंदर। 11 जिसमें आप अपने हेडफोन्स टांग सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं, तो ये है जो ये एक आपके लैपटॉप के लिए है, जिसके अंदर ये सारा का आपका पूरा 17 इंच का जो ऐसे आर्टिक फॉक्स बोलता है कि लैपटॉप आ जाएगा। हाँ, तो गाइस जैसा देख सकते हैं कि ये एक प्रेडेटर है मेरे पास, 15.6 इंच का लैपटॉप है। जब इसे इस कंपार्टमेंट में डाला जाता है, तो जो लैपटॉप कंपार्टमेंट है इस बैग का, तो ये काफ़ी इसमें लूज रह जाता है। लाइक आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लूज है इसमें, क्योंकि ये एक 17 इंच लैपटॉप के लिए है। तो इसके अंदर लैपटॉप आ जाएगा, और इसके अंदर आप कुछ और सामान डाल सकते हैं, ये भी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और जितने भी आपके पेरिफेरल्स, गेमिंग पेरिफेरल्स हैं, वो सभी के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट दिए गए हैं। जैसे कि ये हेडफोन के लिए दिया गया, तो हेडफोन्स आप नियरली इसमें हर साइज का हेडफोन है जो लग जाएगा। तो गाइज ये रेड गियर का हेडफोन है मेरे पास, ये भी काफ़ी एक बड़ा हेडफोन है, गेमिंग हेडफोन है जो। तो अब इसे हम इसमें लगा के देखते हैं कि लगता है इसमें या नहीं लगता है। तो पहले इसे खोला जाए, और ये इसके अंदर लगा कर इसे हम यहाँ ऐसे फिक्स कर देंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे इसको। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, यहाँ नहीं लगाएंगे, मेरे गोचे उठ रहे हैं अपने, इसको ऐसे लगाएंगे। अरे तू ऐसे लगा ले यार, जैसे तेरा मन करे वैसे लगा ले, मैंने पहले भी बोला था गाइस इसे इग्नोर करना। और अगर बात करते हैं, यहाँ ये एक केबल दी गई है, जिसे आप अपने पावर बैंक में प्लग करके, और ये जो बाहर पोर्ट दिया गया है, इसमें इसी केबल को मैं लगा देता हूँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ऐसे करके आप इसको इसी में लगा कर यूज कर सकते हैं, रिवर्स चार्जिंग हो रही है साथ साथ। इसका मतलब इससे हम अपने पावर बैंक को रिवर्स चार्ज कर सकते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ये जो आदमी है मेरे पास खड़ा, इसका काम ही यही है कि इस लोगों की बातों में टांग अड़ाना, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। घोचे लेना बोलते हैं उसे। अच्छा, घोचे लेना बोलते हैं। तो यही है गाइस बैग है, जो ये काफी अच्छा बैग है, जो काफी एक ड्यूरेबल बैग है, जो आपको आर्टिक फॉक्स की तरफ से मिलता है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये इसकी जो प्राइस है, वो मुझे 2000 रुपए के राउंड पड़ी है, नियरली क्या, अरे कहना क्या चाहते हो, पूरे 2000 रुपए की ही पड़ी है। ये सेल पे था, तो तभी मैंने इसे खरीदा, तो अभी मुझे पूरे 2000 रुपए का पड़ा है। तो अभी ये जो बैग है, इसकी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देख लो यार, हम भी बना सकते हैं, लोग नहीं बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है, मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।